हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो जस्ट अभी कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हुआ है। दोस्तों एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, काफी सारे टेक्निकलिटीज इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में है, इसलिए इसको समझेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप भी समझ सकें पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके लिए कितना फायदेमंद होगा उसको भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जिसका नाम है आर्कहेम। arkhemintelligence.com is the official website. Website देखने में काफी सिंपल और एक ईजी टू अंडरस्टैंड बनाई गई है। हर चीज यहाँ पे बताई गई है, जहाँ पे अनाउंसमेंट, मीडिया, रिसर्च, करियर्स, लैंग्वेज, कॉन्टेक्ट, कोडेक्स, व्हाइट पेपर और प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जहाँ पर इसके साथ एक गाइड भी अवेलेबल है। हम इसको रेफर करेंगे इसके व्हाइट पेपर के थ्रू और समझेंगे कैसे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगन विद द व्हाइट पेपर। आर्कहेम अ प्लेटफॉर्म फॉर डी एनोनिमाइजिंग द ब्लॉकचेन। दोस्तों यहां पर आर्कहेम जो है एक नया कंसेप्ट लेकर आया जिसे कहते हैं डी एनोनिमाइजिंग। अब इसी को यहां पर उन्होंने डिफाइन किया है। आर्कहेम इज अ क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट सिस्टमैटिकली एनालाइजेस एंड डी एनोनिमाइजेस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, शोइंग यूजर द पीपल एंड कंपनीज बिहाइंड ब्लॉकचेन एक्टिविटी अलोंग विद डेटा एंड एनालिटिक्स अबाउट देयर बिहेवियर। To generate intelligence at scale, Arkham uses Ultra, a proprietary AI-powered algorithmic address machine engine. यहाँ पर Arkham जो है different scale use करता है, जिसमें जो भी इस पूरे project में काम कर रहे हैं, चाहे वो companies हैं, चाहे वो developers हैं, या उसके users हैं, उन सब का data आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इस पूरे ecosystems को चलाने के लिए यहाँ पर Arkham Ultra बेस्ड एक AI पावर्ड एल्गोरिदम है, जिसे मशीन इंजन के तौर पे देखा जा सकता है और वहाँ इसका ये यूज़ करता है। और एक सिस्टमेटिकली ब्लॉकचेन को अच्छे तरीके से समझना, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को और उसके साथ एक एग्रीगेट डेटा प्रोवाइड करना, उसके साथ एक पूरी कंप्लीट पिक्चर ऑफ जो यूज़र का बिहेवियर है उसके बारे में बताता है। आर्कहेम रिवील्स द एक्टिविटी ड्राइविंग डिजिटल एसेट मार्केट, इनेबलिंग मार्केट पार्टिसिपेंट टू आउट परफॉर्म। और इसके साथ इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है, आर्कहेम इज फाउंडेड ऑन 7 थीसिस अबाउट क्रिप्टो एंड द रोल इंटेलिजेंस प्लेज इन इट। सबसे पहले डी एनोनिमाइजेशन इज डेस्टिनी। दूसरा है एक्सेस टू क्रिप्टो डेटा विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। तीसरा है क्रिप्टो इज बिकमिंग अ कोर पार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथा है क्रिप्टो इंटेलिजेंस विल बी वाइडली अडॉप्टेड, जो कि आने वाले समय में होगा, एज ऑफ नाउ धीरे धीरे अपने उस लेवल पे जा रहा है। पांचवा है द क्रिप्टो इंटेलिजेंस इकोनॉमी विल बी 30 बिलियन एनुअली, यानी कि मोर देन 30 बिलियन एनुअली की ये बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। छठा है द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो डेटा इज एंटिटी बेस्ड। और सातवां है क्रिप्टो इंटेलिजेंस विल पावर सेल्फ रेगुलेशन। ये सब चीजें आने वाले समय में होंगी, लेकिन इन थीसिस के ऊपर यहाँ पर आर्कहेम ने इस पूरे इकोसिस्टम्स को बनाया है और यहाँ इसके पीछे यही दलील दी गई है। The intelligence platform, there are 3 major challenges in the generation of crypto intelligence. सबसे पहले आता है collection. Collection of what? Locating sources of relevant on-chain and off-chain data and gathering this data reliably and continuously. दूसरा aggregation. Combining this data into a single source of truth that can be queried to produce any information desired. तीसरा है attribution. Using this data to assign real-world identity to addresses. Ultra is a proprietary AI system for blockchain data synthesis, which gathers on and off-chain data from a variety of sources and synthesizes them to form a single scalable, amendable source of truth. Ultra allows Arkham to transform raw blockchain transaction information into a clear view of the entities using cryptocurrencies and the activities including exchange, trading firms, individuals. At present, the Arkham platform contains over 350 million labels and 200,000 entity pages. The core of the Arkham platform is the profiler. The profiler is a holistic view of an entity or address activity, including जिसमें आपको transaction history मिल जाएगा, portfolio building, balance history और exchange use, profit and loss और top counterparties आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ profiler जो है इस पूरे platform का core है, because it present a suite of intelligence on an entity or address for a full picture of its activity. और additional features क्या है? विजुअलाइजर है, प्राइवेट लेबलिंग है, अलर्ट है, डैशबोर्ड्स है, APIs हैं और आर्काइव है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस पूरे इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को अल्ट्रा द्वारा सॉल्व किया जाएगा। और उसके साथ साथ प्रोफाइलर, जिस प्रोफाइलर में मल्टीपल आपको अप्रोचेस दिख जाएंगी, जहां पर आप अपने इस पूरे इकोसिस्टम को समझ पाएंगे
और उसके साथ साथ यहाँ पर मल्टी चेन इंटीग्रेशन, आरकेएम फिलर्स, प्रोफाइलर्स और विजुअलाइजर, अलर्ट, डैशबोर्ड्स, इस सब के पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ इंटेल टू अर्न एंड आरकेएम इंटेल एक्सचेंज की बात करते हैं, जिसमें खुद का एक्सचेंज कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया है और वो एक्सचेंज कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर आरकेएम इंटेल एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इंटेल की वेरिफिकेशंस, इंटेल कलेक्टर्स, बाउंटी पोस्टर्स, बाउंटी हंटर्स और इंटेल मर्चेंट देखने को मिल जाएंगे। व्हाइट पेपर के हिसाब से चीजें काफी टेक्निकल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को काफी कोशिश की गई है कि हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता पाएं, और यहाँ पर इन्हीं सभी चीजों के रहते इस पूरे इकोसिस्टम्स में एक नए कॉन्सेप्ट्स लाने की कोशिश भी की गई है। इन अ नटशेल अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसी कुछ इश्यूज हैं ब्लॉकचेन में जो उनके रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो एनोनिमिटी की बात होती है और उसके साथ जो स्केलिंग की बात होती है, उन सबको यहाँ पे सॉल्व करने की बात की गई है और यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात की गई है जहां पर आपके ट्रांजेक्शन करना आपके लिए आसान हो जाएगा और इस पूरे इकोसिस्टम्स में कुछ और अपग्रेड्स किए जाएंगे जिसके चलते आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी। बात करते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज @ArchemIntel है, डी एनोनिमाइजिंग द ब्लॉकचेन, और यहां पर इसके 229,000 फॉलोअर्स हैं। और रिसेंट ट्वीट जो इनका आया था 20 घंटे पहले, वहां पर इन्होंने बताया कि मल्टीपल सबमिशंस ऑलरेडी मेड फॉर द बाउंटीज ऑन द ArchemIntel एक्सचेंज, दे आर बीइंग रिव्यूड एंड वी विल अपडेट देम एज सून एज दे आर वेरीफाइड। बाउंडरीज की बात की तो उसके एक अपडेट्स यहां पे देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ फीचर्स जिसमें द Archem Oracle की बात कर रहे हैं, योर पर्सनल AI असिस्टेंट फॉर ऑन चेन एनालिसिस की बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों Archem Oracle की बात हो रही है जो एक अगेन आपके लिए पर्सनल ब्लॉकचेन एनालिस्ट की तरह काम करेगा और आपके लिए हर तरीके से यहां पे सपोर्ट करेगा। ये Archem की ओर से उनका खुद एक नया प्रोडक्ट है जिसके फीचर्स में हमें काउंट कर सकते हैं, जो एक कस्टम बेस्ड आप इन चीजों को यूज कर पाएंगे और अपने ट्रेड को चेक कर पाएंगे। डेटा ड्रिवन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम में कैसे उसके जो फीचर्स हैं काम कर रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग में आपके हेल्प करेंगे। द Archem प्लेटफॉर्म इज नाउ पब्लिक एंड अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, ये 18 July का ट्वीट था। इसके हिसाब से दूसरे भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है, आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म में इस ट्विटर को फॉलो करके इन चीजों को समझ सकते हैं, इस प्रोजेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, Archem इज द प्रोजेक्ट नेम, ARKM इज द गवर्नेंस टोकन हियर, रैंक 197 है, 6153 की वॉच लिस्ट है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 53.62 है, डाउन बाय 7.13% के हिसाब से है। मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई यहां पर 1 बिलियन ARKM टोकन रखी गई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जस्ट अभी यहां पर 150 मिलियन ARKM टोकन रखी गई जो कि मैक्स सप्लाई का 15% यहां लिया गया है। लाइव चार्ट के हिसाब से अपने रेड जोन पे है, काफी निचले स्तर पे आ चुका है, बाइंग करने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इसमें निवेश करें। इसके अलावा दूसरे आंकड़ों की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में ट्रेडिंग वॉल्यूम 15.05% के हिसाब से गिरा है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर यस्टरडेज चेंज की तो वहां पर आपको 12.51% के हिसाब से गिरावट देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई एक दिन पहले 67.94 गया था, ऑल टाइम लो 17 घंटे पहले 51.95 गया था, जो कि अभी 2.6% के हिसाब से राइज पर है। आप इसे चाहें तो बिनांस से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डेक्स यूनिस्वैप वर्जन 3 इथेरियम से हाई कॉन्फिडेंस बाय कर सकते हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल पेयर्स में बाय करने का ऑप्शन है जो कि डेक्स और सेंट्रल एक्सचेंज जिसमें बिनांस है, दोनों से आप बाय कर सकते हैं। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसे टेक्निकली डिफाइन किया गया है, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा और इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके टीम, डेवलपर और फाउंडर्स को भी समय लगने वाला है। ऐसे प्रोजेक्ट जनता की नजर में, इन्वेस्टर की नजर में बहुत देरी से आते हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस उस हिसाब से नहीं बन पाता है, लेकिन समय रहते चीजें बदलेंगी और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्रिप्टो में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हर एक स्तर पर आपको ये समझना है कि रिस्क बना हुआ है, तो अपनी निवेश इन्वेस्टमेंट सोच के ही करें और उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर आपको गम ना हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको Archem प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ARKM टोकन के बारे में बताया, इसके कुछ फीचर्स फंक्शनैलिटी समझाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।